ऐप कुछ नहीं है, ये सरकारों का धंधा है। सरकारों को इससे जो है करोड़ों रुपए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। सरकारें तो पैसा वालों की है, गुंडाओं की है, मवालियों की है। गरीबों के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। अगर एक भी काम गिना दे तो हम सरकार की बात मान लेंगे। अब बताइए, ओला उबर जो है वो सरकार के ही माध्यम से चल रही है, सरकार चला रही है, जो कि ये इनको लाइसेंस भी नहीं है, अनऑथोराइज चल रही है और सरकार कमा करके उनको दे रही है। जब इलेक्शन आएगा ना तब उसको सबक सिखाएंगे। ये सरकार डरती है तो वोट से डरती है कि इसी से हम लोग गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। अब सरकार को भी बताना पड़ेगा कि हम लोग टेढ़े हो गए, अब सीधे नहीं रहेंगे पहले जैसा। अब उनको सबक सिखाए, हम लोग का हथियार हो ना गाड़ी ही नहीं चलाएंगे, स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन हो गया, न चलेंगे न चलने देंगे। गाड़ी ही नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, न चलने देंगे न चलाएंगे। हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से जो प्राइवेट कंपनी और ऐप है जो गरीब लोगों का शोषण करती है, उसी को लेके ये लोग अपनी मांगे रखते हुए आए हैं। और यहाँ पे पोस्टर देख लीजिए, 20 लाख का बीमा हर ड्राइवर साथी का करवाना होगा। यहाँ अलग अलग पोस्टर पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी लेके आए हैं यहाँ पे? देखिए, हमें बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, टैक्सी गाड़ी चलाते हैं ओला उबर में, और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार ने कभी हमारे बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात, CNG 35 रुपए थी, 35 रुपए से बढ़ा करके आज इन्होंने 80-85 रुपए कर दिए, और बाहर जो है NCR में भी 100 से ऊपर है, और हमारा किराया कुछ नहीं बढ़ाया अभी तक। हमें वही 9-10 रुपये मिलते हैं सेडान गाड़ी का, कोई भी गो गाड़ी नहीं करता है, पर गो गाड़ी की बुकिंग हमें दी जाती है, वो हमें 8-9 रुपए मिलते हैं। 8-9 रुपए में हमारा पड़ता नहीं आता है, हमारे बच्चे घर परिवार सब उजड़ता जा रहा है। 12 लाख की गाड़ी कर दी जो 6 लाख की गाड़ी मिलती थी, आज हमें इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। हमने ले तो ली, उनकी किस्तें भी नहीं भर पा रहे हैं, न हम सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। करें तो करें क्या? पर इसी ऐप के जरिए से तो लोगों को काम मिला है। ऐप कुछ नहीं है, ये सरकारों का धंधा है। सरकार को इससे जो है करोड़ों रुपए जाते हैं, अरबों रुपए जाते हैं, और वह सरकारें क्या कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हमारे यहाँ आकर के कोई भी कंपनी आए और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के बिना लाइसेंस के यहाँ चल सकती है? तो ये सारी कंपनियां चल रही हैं। हमारे ड्राइवर को मार दिया जाता है, उसकी कोई सुध नहीं लेने वाला है। आपके ड्राइवर तक को मार दिया जाता है? कितने ड्राइवर मर गए? अभी एक घटना है महिपालपुर की, उस ड्राइवर को लेके गए, हमने केजरीवाल जी के घर पे भी गए, धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उसको लेके गए, खींच के ले गए जिस तरीके से, गाड़ी से खींच के ले गए कई किलोमीटर तक। सरकारें देखती रही, न्यूज देखती रही, आज तक किसी को कोई न्याय नहीं। उन्होंने आंदोलन भी करा था, सरकार से गुहार भी लगाई थी, उसके बाद में नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं। सरकारें तो पैसा वालों की है, गुंडाओं की है, सरकार तो कह रही है हम गरीबों की सुनते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। अगर एक भी काम गिना दे तो हम सरकार की बात मान लेंगे। कहां सरकार ने ये गरीबों के लिए काम किया? गरीबों के लिए काम करते हैं। तो हम लोग यहां क्यों आते हैं? हम लोग शौक से थोड़े हैं, हम लोग मजबूरन आए हैं, मजबूर होकर यहाँ आना पड़ता है। कोई भी जंतर मारता है तो मजबूरी में आता है, किसी को शौक नहीं लगा। आप उन्हें समय दीजिए ना, धीरे धीरे काम कर देंगे आप लोगों के लिए भी। धीरे धीरे कर तो बुढ़ापा आ गया, हम लोग बुढ़े हो गए, सरकार नहीं सुनी। अब बताइए, ओला उबर जो है वो सरकार के ही माध्यम से चल रही है, सरकार चला रही है, जो कि ये इनको लाइसेंस भी नहीं है, अनऑथोराइज चल रही है, और सरकार कमा करके उनको दे रही है, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहा है। कमीशन 10% होना चाहिए, लाजमी है, बनता है, लेकिन 35% 40% कमीशन कहाँ का तुक है? ये हम लोग 40% 50% तक कमीशन ओला उबर ले रही है। हम लोग ये भी नहीं पता कि हमारा इस राइड पर हमारा कितना कमीशन कटा है। हम लोग देश के विकास में पैसा लगाएगी, उसके बाद पैसे आप ही लोगों से तो लेने पड़ेंगे ना। तो जी मैम, हम लोगों का रेट भी तो देना चाहिए, पैसा लो लेकिन रेट भी तो दो, रेट में कटौती करो, कमीशन में बढ़ोतरी करो, हम ही लोग मिले हैं। ये शोषण के लिए हमारे ड्राइवर भाई ही मिलते हैं, सब हम ही लोगों पर शोषण कर रहा है। जो बड़े बड़े आतंकवादी है, चोर डकैत है, वो भी हमारे ड्राइवर को ही टारगेट करते हैं। अभी जो भाई ने बोला ना, महिपालपुर से एक भाई जो है मारा गया, तो बुकिंग करके और उसको ले गए और वो गाड़ी में खींच कर उसे जान ले लिए। केजरीवाल का घर का घेराव हम लोग किए,
धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं सुना। वो कब सुनेगा? जब इलेक्शन आएगा ना, तब आएगा भैया वोट दो वोट दो, तब उसको सबक सिखाएंगे। तो वोट के माध्यम से सबक सिखाएंगे उन्हें फिर? मैम वोट के माध्यम से तो सब कुछ होगा, यही तो एक हम लोगों का सहारा है। वोट से ही तो लोग डरते हैं, सरकार डरती है तो वोट से डरती है कि इसी से हम लोग गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। केजरीवाल को लाने वाला तो हम ही लोग हैं, केजरीवाल को किसने उठाया? केजरीवाल के काम भी तो देखिए, आप ही लोगों के लिए काम करे ना, अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं। जी जी मैं बहुत बढ़िया काम किया, तभी तो जेल जा रहे हैं ना, बारी बारी से सीरियल लग गया, लाइन लग गया इनका जेल जाने का। अब केजरीवाल सरकार भेज रही है उन्हें, मैम एक बोतल पे एक बोतल दारू देगा, अच्छी बात है, एक बोतल पे एक बोतल दारू फ्री, एक किलो घी पे एक किलो घी फ्री क्यों नहीं दे देता, ये करता ना। अब तो एज भी बढ़ा दी है ना। क्या चीज? एज बढ़ा दी कि 18 साल का बच्चा नहीं पी सकता, 21 22 साल का होना चाहिए। तो मैम वो दारू तो पिलाए कुछ भी करे, लेकिन दूध पर क्यों नहीं किया, ये घी पर क्यों नहीं करता है, वो तो एक एक फ्री देना चाहिए ना। अब देखिए तो मोदी जी उनको सबक सिखा देंगे, जेल में लाइन लग गया, अब केजरीवाल का नंबर है, जाएगा साथ है आप मोदी जी के फिर? नहीं मोदी जी देखो, मोदी जो गलत करेगा हम लोग उसके खिलाफ है, जो सही उनके लिए तो मोदी जी सही कर रहे हैं, केजरीवाल के सही कर रहे हैं, कि जो गलत करेगा वो जेल तो जाएगा। जी हाँ, और हम क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि 2010 में हमारे दिल्ली एनसीआर परमिट गाड़ी है, मतलब दिल्ली एनसीआर परमिट की गाड़ी हमारी है, 2010 में हमारे 12.5 रुपये किलोमीटर था और सीएनजी 30 रुपये 32 रुपये किलोमीटर था। अभी सीएनजी का रेट हो गया 75 रुपये किलोमीटर, ऑटो वाले का रेट 12 रुपये किलोमीटर है, हमें मिलता है 10 रुपये किलो, और काली पीली टैक्सी का 22 रुपये 23 रुपये किलोमीटर रेट तय है। केजरीवाल ये अभी तक हमारा रेट डिसाइड नहीं किया है, 17 रुपये पास कर दिया लेकिन संशोधन अभी नहीं किया, 17 रुपये 89 और एसी का 20 रुपये किलोमीटर रेट तय है। पैनिक नाम पे हर साल पैसे लेते हैं, स्पीड गवर्नर के नाम पे पैसे लेते हैं, ठीक है, और परमिट के नाम पे पैसे। तो सर क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? जी क्या चाह रहे हैं फिर सरकार, क्या करे? हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, हमारी मांगे पूरी करे, जो जो सीएनजी के जितने रेट बढ़ा दिए तो हमारे भी रेट बढ़ाए जाएं और हमारी मांगे पूरी की जाएं। हाँ। तो आप लोगों के पोस्टर पे लिखा हुआ है कि जो जो रेट होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ जी, सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। हाँ। सरकार जो निर्धारित कर दे, तो किलोमीटर के हिसाब से होता है ना, जितनी दूर जाएंगे उतने रेट बढ़ते चले जाएंगे। निर्धारित नहीं कर रही है, ओला उबर जो मर्जी लगा दे, ओला उबर का आप लोग खुद गाड़ी बुक करते हैं, कभी ज्यादा दिखा दे तो सवारी लड़ने लगते हैं, ड्राइवर अरे हम तो कल आए थे इतना बनाता है कैसे बन गया, तो भाई मेरा क्या दोष है? आप तो ओला उबर से बुक किया था, ओला उबर भी तो बढ़ा रही है घटा रही है सब कुछ करती है, हम लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि कितना तक बिल आएगा, क्या बनेगा पैसा, लेकिन कस्टमर को दिखाता है कि इतना पैसा है, जब वहाँ आगे जाने पर अगर बढ़ा देता है तो पैसा भी नहीं दिखाते कि पैसे कितने बनेंगे। हम लोग तो वही तो दुख की बात है, गाड़ी हमारी, मेहनत मेरा, पेट्रोल सीएनजी सब कुछ मेरा, लेकिन हम लेके जाना है वो दिखाते है जी। हाँ ये दिखा रहा है, पहले नहीं दिखाता लेकिन वो दिखाता है, लेकिन पैसा नहीं दिखाता, कितना पैसा तुम्हारे को मिलेगा। हाँ। जी तो यही आपका दुख है, फिर सरकार से क्या चाह रहे, रेट फिक्स हो जाए, दूर जाने तक के भी रेट फिक्स हो जाए? नहीं दूर नहीं, हिसाब कर दे कि इतना पर किलोमीटर इतना रुपया मिलेगा, तो जितना दूर जाएगा उससे हमारे को पैसा मिलना चाहिए। और सरकार से ये है कि सीएनजी पेट्रोल जिस तरह से बढ़ रहे हैं हम लोगों का भी रेट बढ़ना चाहिए। जी अब सरकार क्या कहेंगे सर इस बारे में, जो आप लोग पोस्टर लेके खड़े हुए हैं? मैडम ये हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारी डिमांड है, सीएसआर फंड हमारा 2% कट रहा है, कहाँ जा रहा है भाई सीएसआर फंड, हमें ही दो, किसी और को हमारा पैसा काट के हमें तो देना चाहिए, इन कंपनियों को सरकार को दो, हमें हमारा ESI करवा दो, हमारा 20 लाख रुपए का बीमा करवा दो, हमने पोस्टर चबा रखे, कस्टमर के कहने पर हमारी आईडी ना बंद करी जाए, हमारे लिए दो संगठन बनाने चाहिए, साथ में बैठाना चाहिए लोगों को, ओला उबर का किराया। सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है? सरकार ऐसा है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा इन कंपनियों के पास है, सीधी सी बात है, ये कंपनियां सरकार को पैसा दे रही है तभी सरकार इनकी बात सुन रही है, इन हम वोट देने वालों को नहीं सुन रही है, और ये बहुत गलत बात है। तो आप ही लोगों ने है ना वोट हराएंगे भी हम ही, हराएंगे भी आप लोग ही, हम और कौन हराएगा? नहीं निकलता है, टेढ़ा करना पड़ता है, अब सरकार को भी बताना पड़ेगा कि हम लोग टेढ़े हो गए, अब सीधे नहीं रहेंगे पहले जैसा, अब उनको सबक सिखाए, 1 दिसंबर से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन पूरा भारत भर में होगा, एक नहीं तब सरकार को ही पता चलेगा हमारा दूध कहाँ से आएगा। लोग आएंगे फिर? आएंगे नहीं। हाँ। जी सर, ट्रेन में जो है वहीं से खत्म बात, यहाँ आने के जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे,
गाड़ी ही नहीं चलाएंगे आप लोग? हम लोग का वही तो है, हम लोग का हथियार वही ना, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन हो गया, न चलेंगे न चलने देंगे किसी भाई को। इसके बाद फिर सरकार सुन लेगी आप लोग, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। सरकार का भी, मोदी जी के भी ड्राइवर ही तो ले जाता उनका गाड़ी, वो भी तो रहेगा हम लोगों के साथ। तो मोदी जी कैसे जाएंगे, खुद चला कर ले जाएंगे? उनके साथ 20 गाड़ियां चलती है, वो भी तो ड्राइवर हैं। वो नहीं जाएंगे तो मोदी जी कितनी गाड़ी ले जाएंगे अपने साथ? जो उनका अंगरक्षक है, जो पुलिस वाले हैं, उनकी भी गाड़ी ड्राइवर ही चलाता है। तो अस्टैंड छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या, बिल्कुल अस्टैंड को बैठेंगे नहीं तो फिर कैसे जाएंगे वो? क्या कहेंगे सर? मैडम, आने वाले वक्त में जो है हमारे कस्टमर और आम पब्लिक को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ड्राइवर अगर फूड डिलीवरी कर रहा है तो वो पेशेंट भी डिलीवर कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अगर हम सारे के सारे अगर हम स्टीयरिंग छोड़ दें, ना तो इस देश का चक्का घूमेगा, ना कोई हॉस्पिटल जा पाएगा, ना प्रधानमंत्री जी अपने आवास जा पाएंगे, ना ऑफिस जा पाएंगे। क्योंकि अगर ड्राइवर है तभी तक है वो, जिस दिन ड्राइवर ने छोड़ दिया, आप ये समझिए कि अगर एक सुई भी चाहिए ना तो ड्राइवर ही डिलीवर कर रहा है अपने घर बार छोड़ के। हमारे लिए कोई तीज त्यौहार नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले होता है सर्टिफिकेट। आप तो लोग, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ लोकल, और मैं सर्वोदय एसोसिएशन में हूँ। और हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि या तो हमारा आयोग बना दिया जाए इलेक्शन से पहले, नहीं तो 1 दिसंबर से फिर ये हमारा फिर आंदोलन देखेंगे। पहले हम लोग एक कर चुके हैं, वो इन्हें अच्छी तरीके से याद है, वो भी इन्होंने ही किसी तरीके से भंग किया था, यहीं का ही है वो आंदोलन। उसी तरीके का दुआ से हमारा आंदोलनों का अनशन हुआ। आप लोग गाड़ी ही नहीं चलाएंगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे, ना चलने देंगे ना चलाएंगे। प्राइवेट नंबर गाड़ी, आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी आपकी गाड़ी ना चलाने से? मैडम, हम यहाँ पे 8 साल 9 साल से जो हम दिक्कत ले रहे हैं, हम 8-9 साल से हम लोग दिक्कत ले रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं हम जानते हैं। हमारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, हम सिर्फ पब्लिक की परेशानियां देखते रहे, हमारी भी तो परेशानी है ना, हमारे भी तो परिवार हैं, हमने भी तो अपना पैसा जोड़ करके गाड़ी ली है, हम भी तो EMI दे रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े लालाओं को छूट मिली, हमें कोई छूट नहीं मिली हमारे लोन पे। हमारे लोनों पे जो है बकायदा 25% से लेके 50% तक हमसे ब्याज लिया गया है। तो आपकी सैलरी वो कैसे तय की जाती है? देखिए, हर चीज जो है सरकार ने निर्धारित की हुई है कि ये अभी आपको मैं बताऊं, दिल्ली के अंदर एक जो बिल्कुल शिक्षित ड्राइवर है, जिसको अपनी ड्राइविंग के बारे में सब कुछ पता है, कमर्शियल लाइसेंस है, उसका इन्होंने स्केल रखा है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आज की डेट में हम अपनी गाड़ियों से नहीं निकाल पा रहे। अगर सरकार हमारे यूँ कह दे इन कंपनियों को कि 35,000 रुपये आप महीना इनको सैलरी दे दो, हम चलाते हैं गाड़ी, मेंटेनेंस सब वो ले लें, हमारी किस्तें वो ले लें, हम चलाएंगे गाड़ी, हमें दे दो 35,000 रुपये। लेकिन हमारे साथ तो कुछ करके राजी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है बाहर? हमारे देश का पैसा हमारे पास रहना चाहिए, हमारी इकॉनमी मजबूत होनी चाहिए ना। ये सरकार अभी, आप कभी भी आप गाड़ी बुक करेंगे तो ड्राइवर से आप कभी उसकी ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद है ना, उसके ऐप पे देखिएगा कि उसको पैसे कट के कितने मिले। उसके अंदर आपको एक पैटर्न नीचे नजर आएगा, तीसरा पक्ष। और तीसरा पक्ष जब आप उसको टैग करेंगे ना, तो उसके अंदर लिखा होगा सरकारी खर्चा, सरकार का। वो सरकार इतना मोटा पैसा ले क्या कर रही है? 18% GST से पेट नहीं भर रहा है, जो आधा किराया हमारा खा जा रही है, वो सब ब्लैक मनी है। नहीं, साथ में ही है, सब ब्लैक मनी है, सब पैसा खा रहे हैं। क्योंकि सरकारों को पैसा मिल रहा है, सरकार पैसा ले रही है, इसलिए इन लोगों को संरक्षित कर रखा है। आज तक लाइसेंस नहीं है इन लोगों के पास, विदाउट लाइसेंस पूरे आपके साथ। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा हो, एक हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ऊबर ड्राइवर ने कुछ कस्टमर के साथ किया था, और कस्टमर को ऊबर कंपनी ने ये कहा था कि जी हम आपको कैब प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं आती है। तो आप मुझे बताएं, जो कंपनी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रही और आपसे इंश्योरेंस तक का पैसा ले रही है जोड़ करके, आप उससे किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे? पहला नंबर इनसे इंश्योरेंस, नंबर दो इन लोगों का जो गवर्नमेंट खर्चा 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए GST, नंबर तीन हमारे लिए हमारे वेजेस निर्धारित हों।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों की हमने मांग सुनी है, कह रहे हैं कि जो इनका जो वेजेस है वो एक निर्धारित कर देने चाहिए, और साथ ही साथ ये लोग ये भी बोल रहे हैं जैसे जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं वैसे इनके भी आमदनी में बढ़ोतरी करी जाए, सरकार से यही गुहार है इनकी, और कह रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं सुन रही है, अगर नहीं सुनेगी तो 1 दिसंबर के बाद ये लोग ड्राइविंग करना ही छोड़ देंगे, इस तरीके के आंदोलन पर बैठ जाएंगे। लेकिन आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता आवाज।